हे गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे हॉनर 7A और रेडमी नोट 5 दोनों स्मार्टफोन में कौन सा बेहतर है। इंडिया में हॉनर 7A की कीमत 8,999 रुपीज़ है और रेडमी नोट 5 की कीमत है 9,999 रुपये रखी गई है। तो दोस्तों, आइए अब इनकी कुछ फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। हॉनर 7A हुआवे की सब ब्रांड की लॉन्च स्मार्टफोन है, जिसे भारत में 8,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया है। ये फ़ोन फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव है। ये हॉनर का सबसे बजट ड्यूअल लेंस कैमरा स्मार्टफोन है। बाजार में इसकी टक्कर Xiaomi Redmi Note 5 से मानी जा रही है। Xiaomi Redmi Note 5 की कीमत 9,999 रुपये में आता है। हम आपको आज बताएंगे हॉनर 7A और Redmi Note 5 का की कंपैरिजन, जिसकी मदद से आप ये तय कर पाएंगे कि इस बजट में आपके लिए बेहतर फ़ोन कौन सा साबित होगा। अब हम इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात करते हैं। हॉनर 7A में 5.7 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो फुल HD प्लस डिस्प्ले और 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। एलुमिनियम बिल्ट वाला ये स्मार्टफोन काफ़ी ईजी टू कैरी है। पतले वेजल वाला ये फ़ोन इसके लुक को और ख़ास बनाता है। ये ब्लैक, ब्लू और गोल्ड कलर वैरायटी के साथ आता है। वहीं के Xiaomi के Redmi Note 5 की बात करें तो 5.7 इंच की स्क्रीन के साथ, जिसके 720x1440 पिक्सल है, इसमें भी 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। इसमें मेटल फिनिश बॉडी दी गई है और 2.5D फ्रंट ग्लास पैनल है। अब हम ये दोनों फ़ोन्स के कैमरे की बात करते हैं। हॉनर 7A अपनी रेंज में बेहतरीन कैमरा स्मार्टफोन है। इसमें ड्यूअल लेंस कैमरा दिया गया है, जो इसे अपनी बजट में एक अलग पहचान देता है। हॉनर 7A में 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा दिया गया है। इस फ़ोन का रियर कैमरा AI बेस्ड फीचर्स और बोके मोड के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। इसका बोके मोड DSLR जैसी फ़ोटो क्लियरिटी देता है। साथ ही AI फोटो में लाइट फोकस ऑब्जेक्ट को बेहतर तरीके से कैप्चर करने में मदद देता है। वहीं Xiaomi में सिंगल लेंस रियर कैमरा दिया गया है। इसमें 12 मेगापिक्सल 1.25 माइक्रॉन पिक्सल वाला रियर कैमरा दिया गया है। वहीं 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो फ्रंट सेल्फी फ्लैश के साथ आता है। इसमें बिल्ट इन बोके मोड दिया गया है, जिसमें सॉफ्टवेयर की मदद से बोके इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस तरह कभी कभी ये मोड उतने बेहतरीन ढंग से नहीं आ पाते जितने अपेक्षित हैं। और अब हम थोड़ी प्रोसेसर और स्पीड की बात कर लेते हैं। हॉनर 7A ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 और 3GB रैम के साथ आता है। स्नैपड्रैगन 430 क्वालकॉम बजट सेगमेंट में इस्तेमाल होने वाला चिप है। हॉनर 7A 3000 MHz की बैटरी के साथ आता है। वहीं Xiaomi Redmi Note 5 के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर दिया है। इसमें 4000 MHz की बैटरी दी गई है। इसका प्रोसेसर ज़्यादा परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशियंट है। प्रोसेसर के नज़रिए से Xiaomi का फ़ोन हॉनर 7A पर भारी पड़ता है। सिक्योरिटी की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 5 और हॉनर 7A दोनों स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, लेकिन 7A इस बजट में उच्च चुनिंदा स्मार्टफोन में शुमार है, जो फेस अनलॉक फीचर के साथ आता है। हॉनर 7A को बस एक बार देखकर अनलॉक किया जा सकेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सारे फीचर्स और कंपैरिजन देख सकते हैं और मेरी ओपिनियन में लुक, कैमरा, डिजाइन और इस बजट में हॉनर 7A का फेस अनलॉक फीचर्स इसे Xiaomi Redmi Note 5 से बेहतरीन बनाता है।